नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दूर रंग का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बेहद अच्छा रहेगा। तो ये डिज़ाइन 6 के मल्टीपल फंदों में है और 4 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 22 फंदे डाले हैं, 6, 6, 6 और 4 फंदा एक्स्ट्रा, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो पहली लाइन में हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, तो टोटल 4 फंदे हो गए। 4 फंदा बुनने के बाद उन अपनी दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, फिर उन अपनी ओर 4 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदा सीधा, 1, 2। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें दोहराना है, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। दूसरी लाइन में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए 3 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए 4 फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो मैं ये लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो 3 फंदा सीधा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तीसरी लाइन में जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। देखिए 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, फिर 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे। 4 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। चौथी लाइन और रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के वुड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। जो सीधा है उसे भी उल्टा, जो उल्टा है उसे भी उल्टा है। इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। चौथी लाइन में दूसरे कलर के उनसे सभी फंदे उल्टे बुन लिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का मेन लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। देखिए 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और 3, देखिए ये हम 3 लाइन नीचे आएंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे सिलाई डालेंगे और पीछे से एक लूप निकालेंगे। अब इस लूप को इस फंदे पे चढ़ाएंगे ऐसे, और लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब फिर ये जो दूसरा फंदा है इसके हम देखिए 1, 2, 3 सिलाई नीचे आएंगे और एक लूप बनाएंगे। लूप निकाला, उसके बाद उसे ऐसे ऐसे सीधे की तरफ से ऐसे चढ़ा दिया। अब इस लूप को और इस फंदे को, सीधे वाले फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे। हम इसको ले लिया, सीधे वाले फंदे को लिया, दोनों को एक साथ लिया और एक सीधा फंदा बना लिया।
अब उन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन दूसरी ओर करेंगे और ये जो दो सीधे फंदे हैं इन्हीं के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है। तो इस सीधे फंदे के ऐसे साइड में तीन लाइन नीचे आएंगे, ऐसे लूप डालेंगे, सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, ऐसे इसे हम चढ़ाएंगे, ऐसे सीधे की तरफ से इस लूप को हम सीधा कर लेंगे और ऐसे चढ़ाएंगे। फिर लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेके बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे। अब दूसरा फंदा है तो ऐसे हमको इधर भी बनाना है, तो इस सीधे फंदे के ऐसे साइड में आएंगे तीन लाइन नीचे, एक दो तीन, और यहाँ पे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और ऐसे हमको चढ़ाना है सीधा करते हुए। फिर इस लूप को और फंदे को दोनों को हमें एक साथ लेना है और एक सीधा फंदा बना लेना है। फिर चार फंदा उल्टा, फिर देखिए ये सीधा फंदा आ गया। तो सीधे फंदे के दोनों साइड से हमें लूप निकालना है, तीन लाइन नीचे आके तीन लाइन नीचे आएंगे, लूप निकालेंगे, सिलाई पे ऐसे चढ़ाएंगे, फिर इस लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब दूसरा सीधा फंदा है तो इस फंदे के भी हम साइड में नीचे आएंगे, साइड में नीचे आएंगे, स्लाइड ऐसे डालेंगे तीन लाइन नीचे और फिर एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, सिलाई पे चढ़ाया, फिर दोनों को, लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर, अब देखिए चार फंदे बचे हैं तो तीन फंदा उल्टा, चौथा फंदा है जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब तीन फंदा देखिए ये सीधा दिखाई दे रहा है, तो उनको दूसरी ओर करेंगे, तीन फंदा सीधा। उन अपनी ओर, फिर देखिए दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर चार फंदे सीधे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करनी है। अब ये चौथा लाइन है तो उन अपनी ओर जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा, और जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बुन लेंगे। छह फंदे का डिजाइन, छह फंदे को दोहराना है, चार फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा, फिर लास्ट में तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमने दूसरे कलर के ऊन से चार लाइन बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, अब हम पहले कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। एक कलर के ऊन से हमें चार लाइन बुनना है, और जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा कलर लगा रही हूँ तो सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, जो सीधा है उसे भी उल्टा, जो उल्टा है उसे भी उल्टा। अब फिर हम सामने की तरफ आ गए तो देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा। अब हम दूसरी ओर करेंगे, अब देखिए ये दो फंदे सीधे वाले आ गए, तो फिर यहाँ से हमें लूप निकालना है। अब देखिए तीन लाइन नीचे, ये एक दो तीन, यहाँ पे देखिए छेद जैसा दिखाई दे रहा है, यहीं पे हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। अब फिर इसको सीधा करते हुए चढ़ाएंगे सिलाई पे, और लूप को और फंदे को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब इस सीधे फंदे के दूसरे साइड भी हमें तीन लाइन नीचे आना है, देखिए एक दो तीन, यहाँ पे जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें हमें ऐसे सिलाई डालना है
और एक लूप निकालना है। लूप को ऐसे सीधा करते हुए बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेते हुए लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो देखिए ऐसे खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। फिर चार फंदा उल्टा, छह फंदे का ये डिज़ाइन है और चार लाइन का, चार फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर, फिर सीधा फंदा आ गया। तो इसके दोनों साइड से तीन लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, उसको ऐसे बाईं सिलाई में सीधा करते हुए चढ़ाएंगे, फिर लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा। अब दूसरे फंदे के भी साइड से हम एक लूप निकालेंगे, सीधा करते हुए चढ़ाएंगे, फिर लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा। फिर चार फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर अब देखें सीधा फंदा आ गया। तो दोनों साइड से लूप लेना है हमें, तीन लाइन नीचे आके लूप लिया, सीधा करते हुए बाईं सिलाई में चढ़ाया, फिर लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर इस दूसरी साइड भी हमें लूप निकालना है, तो ऐसे तीन लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा। लास्ट में चार फंदे हैं, तो तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा है जो स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टा। तो छह फंदे और चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। और जब भी हम दूसरा फंदा दूसरा कलर लगा रहे हैं, तो हम रॉन्ग साइड से लगा रहे हैं, तो उस लाइन में हमें सभी फंदे उल्टे बुनने हैं, ताकि ये सामने से एकदम क्लीन आए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है। एक कलर से चार लाइन बुनने के बाद हमें दूसरा कलर लगाना है, और ये खूबसूरत सा पैटर्न ऊपर ऊपर बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।